16 दिसंबर 2012 की काली रात, देश की बेटी के साथ हुई थी वारदात। दोषियों में कोई फल विक्रेता तो कोई जिम ट्रेनर। फांसी के मुहाने पर खड़े चार दोषी। 16 दिसंबर 2012 की वो काली रात जब लोग कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अपने घरों में बंद थे, तब दिल्ली के वसंत विहार इलाके में निर्भया के साथ 6 दरिंदों ने चलती बस में गैंग रेप किया। इन दरिंदों ने इस कदर दरिंदगी दिखाई कि कुछ ही दिनों बाद निर्भया ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। 1.25 साल की लंबी लड़ाई भी लड़ी निर्भया की मां ने। हालांकि इस दौरान इन दोषियों ने कई हथकंडे भी अपनाए, लेकिन सारे फेल हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर निर्भया के ये आरोपी हैं कौन, जिन्होंने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया? दोषी पवन गुप्ता। घटना में शामिल पवन गुप्ता पेशे से एक फल विक्रेता था। अब पवन अपने काम के साथ ग्रेजुएशन की तैयारी भी कर रहा था। पवन गुप्ता ने भी विनय शर्मा के साथ संगीत कार्यक्रम में होने की बात कही थी। बता दें कि पवन पहले मंडोली जेल में था और 7 दिसंबर को उसे तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया है। दरअसल मंडोली जेल में फांसी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए उसे तिहाड़ में शिफ्ट किया गया है। दोषी मुकेश सिंह। बस की सफाई का काम करने वाला मुकेश भी इस बर्बरता का मुख्य आरोपी है। उसने गैंगरेप के बाद निर्भया पर लोहे की रॉड से हमला किया था। ये राम सिंह का छोटा भाई था। मुकेश ड्राइविंग और क्लीनर का काम करता था। मुकेश दक्षिणी दिल्ली में रविदास झुग्गी कैंप में राम सिंह के साथ ही रहता था। दोषी अक्षय कुमार सिंह। बिहार का रहने वाला अक्षय अपनी पढ़ाई छोड़कर दिल्ली भाग आया था। अक्षय जेल में रहने के दौरान खबरों में आया था। उसके मुताबिक जेल में उसकी जान को खतरा है और इसलिए उसने सुरक्षा की मांग उठाई थी। अक्षय को घटना के 5 दिन बाद उसके बिहार के गांव से पकड़ा गया था। दोषी विनय शर्मा। गैंगरेप के दौरान राम सिंह के अलावा विनय शर्मा ने भी बस चलाई थी। ये पेशे से एक फिटनेस ट्रेनर था। ये तिहाड़ में ही यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। चौंका देने वाली बात ये है कि विनय ने भी राम सिंह की तरह खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। बता दें कि ये राम सिंह का पड़ोसी था। बता दें कि इस केस में 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक ने जेल में ही आत्महत्या कर ली और एक को नाबालिग होने का फायदा हो गया, जिसे रिहा कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी।